है अभी मूवी देखी आपने सैटेलाइट से, तो कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी है एक्चुअली। ये मूवी मतलब एक फैमिली भी देख सकती है इस मूवी को, और उसमें सूरज पंचोली उसका काम बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छी लगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मूवी अच्छा है, सर सूरज की काफ़ी टाइम बाद मूवी आई दूसरी, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका लुक तो पहले वाले मूवी में भी डिफरेंस था और अभी भी ये मूवी में भी बहुत अलग लुक है, मतलब अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। देख के क्या लगता है कि उन्होंने जो आर्मी का एक किरदार अदा किया है वो अच्छी तरह से निभाया वह मूवी? ऑब्वियसली मतलब अच्छे लग रहे हैं कि लगता है हाँ बंदा है प्रॉपर आर्मी वाला है। अगर बात की जाए 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं तो 5 दे दूंगा, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी। सर आप कितना देंगे? 4। बार नहीं आए। कैसी लगी आपको देखिए? अच्छी मूवी है, सूरज अच्छा एक्टिंग करते हैं और ये मूवी आर्मी का एक ट्रिब्यूट है फैमिली ऑल्सो। सूरज ने आर्मी के किरदार को बखूबी निभाया आपकी नज़र में? नहीं नहीं नहीं। किस तरीके का मतलब लगे सूरज फौजी के किरदार में? वो अच्छा कैरेक्टर था सूरज का, फैमिली को बहुत बढ़िया अच्छा मूवी है उसके साथ में आए, वो बहुत अच्छी। गुड ट्रिब्यूट टू आर्मी मूवीज एंड यू कैन वॉच दिस फिल्म विद योर फैमिली, इट्स अ गुड मूवी, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। कितने स्टार देना चाहेंगे 5 में से? 4। ओके थैंक यू। कैसी लगी आपको सैटेलाइट सर? ये मूवी एकदम बढ़िया है, ये मूवी आर्मी के ऊपर है और ये मूवी मेरे को बहुत पसंद आई, बहुत से लोगों को देखना चाहिए बिकॉज ये मूवी एक ही नहीं एक इंस्पायरिंग मूवी है। और ये मूवी को मैं रेटिंग दूंगा 4.5 और बेटर है, हर कोई देखो ये मूवी, इसे इंस्पायरिंग है, अगर ये देखेंगे अपन तो अपने को बहुत कुछ समझ में आएगा, तो मैं इसको 4.5 रेटिंग देता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके आज रिलीज हुई है तो कैसी लगी मूवी सर? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैं भी एक डायरेक्टर हूँ उसके नाते मैंने फिल्म अभी देखा और पब्लिक के साथ देखा और पब्लिक ने इन्जॉय किया और बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है इरफान कमल जी ने, विशाल विजय कुमार ने लिखी है इस फिल्म को। और एक अच्छी चीज़ ये है कि सूरज पंचोली ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, उनके साथ जितने जो को एक्टर हैं और एक्ट्रेस हैं सब ने बहुत ही अच्छा काम किया। ऐसी फिल्म बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये कहानी कर रहे हैं, सब रियल लोकेशन को उन्होंने शूट किया है और एक एक करेक्टर सब लोग रियल लग रहे हैं इस फिल्म में। सर आर्मी के ऊपर और भी बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, तो उन फिल्मों से कितनी डिफरेंट है? बहुत ही अलग फिल्म है इस फिल्म देखने के बाद से, इस फिल्म में देखने के साथ साथ आपको जज्बा आता है कि इंडिया के आर्मी के लिए जो सोल्जर्स हैं, जिनकी फैमिली हैं, जिनको जो लोग उनको देखना चाहते हैं फिल्म जरूर देखनी चाहिए और इसमें सबका मेहनत सबका चीज़ें और सब कुछ अच्छा दिखता है। सर 5 में से कितने स्टार देंगे? 5 में से कितने स्टार? यार इसमें कुछ कम करने लायक नहीं है लेकिन मैं 4.5 जरूर दूंगा क्योंकि मुझे तो कुछ कमी नहीं लगी फिल्म के अंदर। इस फिल्म को ऑडियंस को आकर के देखना चाहिए, पता नहीं इस फिल्म को इतना प्रमोशन क्यों नहीं किया गया, ये फिल्म पता ही नहीं चली कि फिल्म रिलीज हुई है। मैं तो इसलिए देखने आ गया, मैं जानता था कि ये फिल्म रिलीज हो रही है, अदरवाइज ऐसी फिल्मों को बताना चाहिए कि ऐसी फिल्म आकर के फैमिली आकर इस फिल्म को देखना चाहिए। फिल्म के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो लोगों को नहीं देखना चाहिए, सब कुछ है, अपने फैमिली के साथ बच्चों के साथ फिल्म आके देखनी चाहिए। ऐसी फिल्में लोग बनाते नहीं हैं और बहुत गट्स है इरफान कमल के अंदर, राइटर के अंदर, और सूरज पंचोली ने तो कमाल का काम किया है, वो लड़का क्या लगता है बहुत रियल काम किया है, इसलिए फिल्म आके देखनी चाहिए। ऑडियंस को क्या मैसेज? ऑडियंस के ही बोलूँगा बॉस आकर के फिल्म को जरूर देखो आप, सुपर बहुत, मैं भी एक डायरेक्टर हूँ लेकिन मैं एक डायरेक्टर की फिल्म देखने आया इरफान कमल की, सुपर बहुत 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 अच्छा। ओके सर थैंक यू, थैंक यू। लगी मूवी? हाँ मैं मूवी देखी, बहुत अच्छी लगी, जिस तरह के मूवी को लिखा गया है, स्क्रीन प्ले किया गया है बहुत अच्छा है, इसका राइटर विशाल विजय कुमार बैक टू बैक मूवी दे रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इसलिए हेड ऑफ टू रियलिस्टिक सिनेमा है और हम लोग खुद एक फिल्म देखते देखते कम से कम 4 से 5 बार रो चुके हैं। सर बात करें सूरज पंचोली की तो उनका पहले भी उन्होंने किया था, उसके बाद में अभी उन्होंने अलग अलग किरदार में आए, फौजी के किरदार में आए हैं, तो कैसा लगा उनका परफॉर्मेंस? मैं बोलूँगा कि सूरज पंचोली के ऊपर जस्ता ही फौजी वाला किरदार है, बिल्कुल जस्ता है और मूवी में कम से कम 3-4 बार रोए, तो सबको मैं सलाह दूंगा कि अपना टिश्यू पेपर या रुमाल साथ में लेके जाइए, मूवी बहुत बेहतरीन है। सर तो म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक कैसा लगा, सॉन्ग कैसे लगे? हाँ सॉन्ग अच्छा है, सॉन्ग मैंने पहले भी सुना है 2-3 सॉन्ग, बहुत अच्छा है, मैं ऑन रिपीट सुनता हूँ, बट
मैं देखूंगा कि मूवी का रिव्यू वो अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि मूवी का रिव्यू बहुत अच्छा है, सबको देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए मूवी। मेरी तरफ से 5 में से 4.5 स्टार देना चाहूँगा। ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आइए मूवी देखिए। ऐसी लोकेशन पर शूट हुई कि इसको शूट करना इतना ईजी नहीं है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक शूट करना और फिर रियल लोकेशन पर शूट करना जैसे LOC पे हो गया, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मूवी बहुत अच्छी मूवी, देखना चाहिए। और देश की कहानी है, देश की कहानी बोल रही है, हिंदुस्तान की कहानी बोल रही है, एक सोल्जर की कहानी है और पूरा जर्नी दिखाया है कैसे, वो पूरा रियल है। कितने स्टार देना चाहिए? 4 में 4.5 5 में तो कितना देना चाहिए? 4.5 थैंक यू प्लीज वॉच। सैटेलाइट सेंटर मूवी रिलीज हुई, देखिए आपने कैसी लगी? मैंने देखा मूवी, मूवी तो बहुत अच्छी लगी है मुझे और सूरज पंचोली ने बहुत अच्छा काम किया है और डायरेक्टर ने भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। और सूरज पंचोली से हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि हमें उनमें एक स्टार दिखता है तो हम एज अ स्टार देखने जाते हैं उन्हें। सर बात करें लोकेशन की तो लोकेशन भी काफ़ी बताते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से शूट का आपको मतलब लोकेशन? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने शूट किया, लोकेशन इतने ब्यूटीफुल से है ना, रियल लोकेशन पे उन्होंने शूट किया है जैसे कि देखने को मिला है और अच्छा है। ओवरऑल सब लोगों ने बहुत अच्छा अपनी तरफ से मेहनत किया है और हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी लेकिन उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी, मुझे तो पसंद आएगी। सर सूरज पंचोली की पहली मूवी आई थी उसके बाद काफ़ी टाइम बाद अभी आए, तो उसमें हाँ। कितना आपको डिफरेंट लगा कि सूरज के पहले में और अब में? सूरज पंचोली की मूवी जब पहले आई थी उसके बाद में अभी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उनको एटलीस्ट साल में 2-3 फिल्में अगर कर हमें देखने को मिले तो अच्छा है। सर कैसा लगा उनका फौजी का किरदार? फौजी के किरदार में बहुत अच्छे लगे, सच बताता हूँ मेरे को तो बहुत अच्छे लगे वो। और एक्टिंग की बात करें, एक्टिंग कैसी लगी? एक्टिंग किया उन्होंने, बहुत अच्छा एक्टिंग किया और अपनी तरफ से उन्होंने 100% देने का पूरा कोशिश की। ओके सर ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग फैमिली के साथ जाएं, पिक्चर को एंजॉय करें क्योंकि इस तरह की देश के लिए फिल्में बहुत कम आती हैं और आप एंजॉय करें क्योंकि इस तरह की फिल्मों को बढ़ावा देंगे तो और भी फिल्में बनेंगी बॉलीवुड में और हमें अच्छे किरदार और भी देखने को मिलेंगे। सर कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 में से मैं 4 देना चाहूँगा। थैंक यू।